ग्लाइकोसिस के प्रोसेस को हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। ग्लाइकोसिस से पैरुविक एसिड बनने का प्रोसेस जो है वो कॉमन है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों ही सेल में, यानी कि एनारोबिक प्रोसेस में और एनारोबिक प्रोसेस में दोनों में ही पैरुविक एसिड बनेगा। तो ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन का कंपाउंड है, वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में विद द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेज। ये आगे कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में विद द हेल्प ऑफ आइसोमेरेज। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 1.6 फॉस्फेट में विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोसुक्रेज की मदद से। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हेक्सोकाइनेज में एक एटीपी से एडीपी बन रहा है और दूसरी जगह फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से जब कन्वर्ट होकर फ्रुक्टोज 1.6 फॉस्फेट बन रहा है वहाँ पे भी एक एटीपी से एक एडीपी बन रहा है, यानी कि जहाँ जहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है वहाँ पे एटीपी जो है वो कन्वर्ट हो रही है एडीपी में। इसके आगे हम देखेंगे कि जो फ्रुक्टोज 1.6 फॉस्फेट है वो डिवाइड हो जाता है 3 और 3 कार्बन में और एक फॉस्फेट एक साइड चला जाता है और दूसरा फॉस्फेट दूसरे साइड। एक जो है वो बन जाता है डाईहेक्सोन एसीटोन फॉस्फेट और दूसरा बन जाता है ग्लिसरिक एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, यानी एक जो है वो कीटोन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और दूसरा जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे ही NAD+ से NADH2 रिलीज होता है जो कि कन्वर्जन होता है। अब हम देखेंगे कि इन दोनों ग्रुप से ये क्या बनता है आगे। तो 1.3 डाईफॉस्फेट एसिड बनता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2 फॉस्फेट हैं और 3 कार्बन का 2 कंपाउंड है। ये आगे जो है कन्वर्ट होता है 3 फॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड में, जैसे कि हम देख रहे थे कि जब फॉस्फेट ऐड हो रहा था तो एटीपी से एडीपी बन रहा था, रिमूव हो रहा है तो वापस से एडीपी से एटीपी बन रहा है। या आगे इसका आइसोमेराइजेशन होता है और ये बन जाता है 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फेट जो है वो सेकेंड पोजीशन पे आ जाता है। इसके आगे वाटर रिलीज होता है और जो कंपाउंड में एक फॉस्फेट बचा हुआ होता है वो भी रिलीज हो जाता है और यहाँ से हमें एटीपी मिल जाता है वापस से। जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो हमें पैरुविक एसिड मिलता है जो कि 3 कार्बन का पैरुविक एसिड होता है, पर ये 2 टाइम होता है, यानी कि 3 कार्बन का 2 सेट।